इंदौर नगर पालिका निगम ने गुरुवार को जयरामपुर कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए खुले स्थान पर स्थापित की गई मूर्तियों को विस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की। नगर निगम ने यहां की मूर्तियों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें निश्चित स्थान पर स्थापित कर नियमित पूजन करने की बात भी कही है। इंदौर नगर पालिका निगम ने अब उन स्थानों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है जहाँ लोगों ने खुले स्थान पर मूर्तियों को स्थापित कर जमीन घेर रखी है। शनिवार को नगर निगम का अमला जयरामपुर कॉलोनी में पहुंचा जहां नाले किनारे खुले में मूर्तियों को स्थापित कर दिया गया था। नगर निगम की टीम ने यहां मूर्तियों को विस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की। नगर निगम ने इन मूर्तियों को अपने कब्जे में लेकर आईडीए द्वारा तैयार किए गए अस्थाई मंदिर में सम्मान स्थापित करने की बात कही है। नहीं, ये मूर्तियाँ क्या है, नाले किनारे थे और रात में अधिकतर यहाँ पे विधायक जो जानवर वगैरह इनके मूर्तियों को भी मतलब खराब रूप से पेशाब भी करते हैं, मैंने देखा। और ये माननीय एक महोदय के आदेश से इनको हटाना हटा रहे हम, और इनको व्यवस्थित जगह हमारे आईडी ने जो बनाई है मूर्तियाँ स्थापित, तो वहाँ पूजा पाठ भी होती है, तो इसलिए वहीं हम व्यवस्थित रखेंगे कि इसका दुरुपयोग, हमारा भी भगवान है, हम उसका दुरुपयोग नहीं हो, ऐसी व्यवस्था यहाँ से माननीय आयुक्त महोदय के आदेश से हटा रहे हैं इसको। सर, यहाँ रहने वाला व्यक्ति था सर, उसके लिए भी कोई रहने की व्यवस्था कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा जो समय है, कोविड का समय है, लोगों के पास खाने तक की परेशानी है, तो सामने वाले को कहाँ तक अपन सहायता कर पाएंगे? जो आदमी रह रहा था यहाँ, वो भी उनका कोई इनलीगल मैटर था, ये उसको कहीं खाने पीने की व्यवस्था तो देखेंगे, हम ऊपर से बात करेंगे। और ये मूर्ति हम जो ले जा रहे हैं, जो व्यवस्थित हमारे पूरे शहर में जो अनलीगल मूर्तियां रखते हैं वहां से लेकर हम व्यवस्थित रखेंगे, और वहां पूजा भी हमारी होती है हमारे जो। मामला धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ था, इसलिए नगर निगम ने कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की भी मदद ली। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, इंदौर।